की उम्मीद करता हूं मैं संजय, क्योंकि ये टीम्स आपको शायद लगता तो है कि एक्टर्स हैं, क्या शायद क्रिकेट खेल पाते होंगे, लेकिन बहुत ही सीरियस हैं। और अगर आज सुबह आप ग्राउंड पे आते हैं तो भी आपको एक टीम प्रैक्टिस करती हुई मिलती, तो बहुत ही काफी सीरियस, बहुत ही इसके बारे में उत्तेजित है अगर आप कहें तो, वो भी शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत ही ज्यादा इसके लिए उत्तेजना देखने में मिल रही है हमारे सभी एक्टर्स के बीच में। और तेलुगु वॉरियर्स फील्ड में कप्तानी करते हुए वेंकटेश, उनके लिए काफी अहम कि वो राइट फील्डर्स सही जगह पे ले, क्योंकि जिस तरह से उनकी एथलेटिसिज्म है, जो खिलाड़ी अच्छा भाग सकता है, जो खिलाड़ी स्लो है, जो खिलाड़ी 40 साल के ऊपर है, उनको बराबर पोजीशन में उनको लाना है, तो एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा उनको। बहुत ही अगर आप देखें बहुत बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट भी अगर कहा जाए तो हो सकता है, बहुत इनोवेटिव, और यही शायद इस T20 क्रिकेट की ब्यूटी है या रोमांच है कि आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। और क्योंकि ये टीम साथ में बहुत नहीं खेली है तो कप्तान का काम, जो कि वेंकटेश हैं, उनका काम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि किस प्लेयर को किस समय कैसे यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। तो काफी रोमांच दर्शकों में भी देखने में मिल रहा है और ऐसा ही रोमांचक खेल होने की उम्मीद थी। मोदी आर ओवर लो फील्ड रेस्ट्रिक्शन, शुरुआत में जो दो फील्डर सर्कल के बाहर लिए हैं वो एक थर्ड मैन है और मिड ऑफ की जगह उसको पीछे भेज दिया गया, तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि ऑफ साइड के बाहर गेन करेंगे, और अगर बैट्समैन को मारना भी है तो उसको मिड ऑफ के ऊपर से या मिड ऑन के ऊपर से मारना पड़ेगा। एक और अगर इंटरेस्टिंग बात आप ऑब्जर्व करें संजय, तो कोई स्लिप नहीं है, तो पहली नई बॉल से बोलर जाते हैं लेकिन स्लिप के बिना। पहली गेंद CCL की, सीधा पुश करके एक रन के लिए, और हवा में कुछ स्विंग जरूर मिला, बहुत आगे पिच किया हुआ बॉल था, इनफैक्ट बिल्कुल फुल टॉस आया और काफी आसानी से सामने की तरफ खेल दिया। मिड ऑफ जो है वो लॉन्ग ऑन पे है और इस वजह से आसान सा सिंगल बल्लेबाज के खाते में। तो चेन्नई राइनोस खाता ओपन చేశారు, ఒక పరుగు లభించిన వారికి విష్ణు బౌలింగ్ లో మొదటి బంతికే ఒక సింగిల్ ది फुल टॉस गेंद और बिल्कुल शानदार कवर ड्राइव 4 रन के लिए, और ये CCL का पहला चौका, पहला चौका बहुत ही बढ़िया तरह से मारा। फुल टॉस जरूर थी, लेकिन संजय हम जानते हैं कि फुल टॉस आसान गेंद जरूर होता है लेकिन मारने के लिए आपको फिर भी अच्छा खेलना पड़ता है, और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट कहूंगा मैं संजय। और तुरंत फील्ड में घबराहट देखी जा रही है क्योंकि थर्ड मैन को अंदर लाया जा रहा है और जो फील्डर है उसको डीप कवर की तरफ भेजा जा रहा है। चेन्नई रायनो की खिलाड़ी उत्तेजित होते हुए देखते हैं कि क्या होता है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन फील्डिंग का पॉइंट एरिया में, काफी बढ़िया गेंद भी थी, बहुत अच्छा कमबैक बॉलर का, अच्छी जगह पे बॉल को डाला। इस बार फुल टॉस बिल्कुल नहीं थी, पहली दो बॉलों पे शायद थोड़े से गिल्टी थे ओवर पिच करने के लिए, लेकिन इस बार गेंद सही ठिकाने पर, एक बढ़िया फील्डिंग ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया, और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिला इस गेंद पर हमें। अच्छी शुरुआत, क्योंकि पहले ओवर में 6 रन आ गए हैं तो बैट्समैन के नर्व्स काफी काम डाउन हुए होंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा स्विंग, बैट्समैन भी कॉशियस, उन्होंने छोड़ दिया, ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, और जैसे कि जानते हैं आकाश काफी अच्छे ओपनर रह चुके हैं, तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी आकाश। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी संजय, क्योंकि शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है, पहले 3 गेंदों में ही 6 रन आ गए थे, तो जरूरत नहीं थी चौथी बॉल पर कुछ अलग से करने की। थोड़ा सा स्विंग हमने जरूर देखा है, नई बॉल से हमेशा होता है, और ये जरूरी है कि आप स्विंग को ध्यान से खेलें। दोबारा अनलकी कहा जा सकता है बॉलर के लिए, आउटर एज लेते हुए बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई। रमन्ना को 4 लकी रन्स कह सकते हैं आप,
और स्कोर पहुंचा हुआ 10 तक। देखिए संजय, ये शायद थोड़ा सा अनलकी कहना ही पड़ेगा हमें बॉलर को, कि गेंद बिल्कुल सही जगह पर थी, थोड़ी स्विंग भी हुई, लेकिन क्योंकि थर्ड मैन का फील्डर सर्कल में था और इस वजह से वो उस गैप में से बॉल बिल्कुल सही निकली। दस रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत। और बीट करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, पहला ओवर समाप्त होते हुए चेन्नई राइनोज 10 फॉर नो लॉस। मिड ऑफ को पीछे भेजा जा रहा है, अब उसको वापस मिड ऑफ सर्कल के अंदर लेते हुए काफी विचार विनिमर्श प्लेयर्स के बीच में, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया मैच के पहले कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मैच में, क्योंकि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा किया जा रहा है इससे मैच के रिजल्ट के ऊपर काफी इफेक्ट करेगा। और ये बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, ऐसा हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से वार्म्ड अप ना हो, पहली ही गेंद बहुत ही बाहर, कीपर के लिए भी बहुत दूर, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा और 5 रन चेन्नई के खाते में। बहुत ही वाइड गेंद और विकेट कीपर को कोई चांस नहीं, और इवन जो रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले उसको भी ऐसा विकेट कीपर होता तो शायद वो भी नहीं पकड़ पाता इस ऐसे बॉल को। और अपनी स्टेपिंग खोई गेंदबाज ने इस बार, और ऐसा भी जरूर हो सकता है अगर आप पहली ही गेंद इतनी खराब तरीके से डालते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, और वही देखने को मिला इस गेंद में। एक लंबा हिट मारने की कोशिश, अखिल को जरूर इस बॉल के ऊपर थोड़ा स्विंग मिला। एक अच्छी शुरुआत चेन्नई राइनोस के लिए, और एक बार बहुत ही लूज गेंद, एक मिडवेस्ट फुल टॉस जो कि बड़ी आसानी से चौके के पार पहुंचाया, और इस समय मुझे लगता है कि तेलुगु टीम कुछ प्रेशर में जरूर है, क्योंकि अभी जो स्कोर है वो काफी बढ़िया स्थिति में, और बॉलर सभी दिशाओं में इस समय मार खाते हुए। जो इम्प्रेसिव बात है कि कवर के ऊपर जो शॉट मारा है उन्होंने, ये बॉल को कहीं भी मार सकते थे मगर उन्होंने कवर के ऊपर मारा, जो एक टेक्निकली आप देखें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक और बहुत ही बढ़िया टाइम ड्राइव, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए विक्रांत, और गेंदबाज बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेंगे। इस बॉल में कुछ कमी नहीं थी, काफी उन्होंने सुधार किया पिछली गेंद से अगर आप देखें, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, और किसी भी उच्च क्रम के बल्लेबाज को इस शॉट मारने पर बहुत गर्व महसूस होगा। बॉल की लाइन तक, बॉल की पिच तक पैर को पहुंचाया और उसके बाद बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव। एक अच्छी वापसी अखिल की, अच्छा एक्शन, हाई आर्म एक्शन, थोड़ी स्विंग, थोड़ी सीम मूवमेंट उस बॉल में, और काफी आकर्षण मैदान में। और इस बार बाउंसर की कोशिश की जो कि थोड़ा सा शायद बल्लेबाज की ऊपर था और उसकी पहुंच से बाहर, इस वजह से वाइड का इशारा किया गया, लेकिन कोशिश के लिए आपको पूरे नंबर देने होंगे अखिल को। बाउंसर शुरुआत में एक अच्छा वेपन माना जाता है, और थोड़ा सा अच्छा डायरेक्टेड होता तो बहुत शायद आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल पाते। एक और वाइड बॉल, अखिल की कोशिश अंपायर को डिस्टर्ब करने की मगर उसमें नाकामयाब, काफी
ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ సాబిత్ హో రా అఖిల్ కా. 15 రన్ దే చుకే హై ఇస్ ఓవర్ మే ఔర్ దో గేందే అభీ భీ బాకీ. चेन्नई राइनोज को पहला झटका लगा आखिर की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाज को विकेट के सामने प्लम आउट किया. बहुत अच्छी वापसी अखिल की, सीधी गेंद एकदम स्टंप के सामने, उसमें कोई दौरा नहीं अंपायर के दिमाग में और उन्होंने अपनी उंगली ऊपर करके वापस भेज दिया है बैट्समैन को. चेन्नई राइनोस 25 पे. मिड ऑफ को पीछे भेजा जा रहा है, अब उसको वापस मिड ऑफ सर्कल के अंदर लेते हुए काफी विचार विनिमय प्लेयर्स के बीच में, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया मैच के पहले कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मैच में, क्योंकि कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा किया जा रहा है इससे मैच के रिजल्ट के ऊपर काफी इफेक्ट करेगा. और ये बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, ऐसा हो सकता है अगर आप अच्छी तरह से वॉर्म्ड अप ना हो. पहली ही गेंद बहुत ही बाहर, कीपर के लिए भी बहुत दूर, वाइड का इशारा अंपायर की द्वारा और 5 रन चेन्नई के खाते में. बहुत ही वाइड गेंद और विकेट कीपर को कोई चांस नहीं, और इवन जो रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले उसको भी ऐसा विकेट कीपर होता तो शायद वो भी नहीं पकड़ पाता इस ऐसे बॉल को. और अपनी स्टेपिंग खोई गेंदबाज ने इस बार, और ऐसा भी जरूर हो सकता है अगर आप पहली ही गेंद इतनी खराब तरीके से डालते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, और वही देखने को मिला इस गेम में. एक लंबा हिट मारने की कोशिश, अखिल को जरूर इस बॉल के ऊपर थोड़ा स्विंग मिला. एक अच्छी शुरुआत चेन्नई राइनोस के लिए. और एक बात, बहुत ही लूज गेंद, एक मिड वेस फुल टॉस जो कि बड़ी आसानी से चौके के पार पहुंचाया, और इस समय मुझे लगता है कि तेलुगु टीम कुछ प्रेशर में जरूर है क्योंकि अभी जो स्कोर है वो काफी बढ़िया स्थिति में, और बॉलर सभी दिशाओं में इस समय मार खाते हुए. जो इंप्रेसिव बात है कि कवर के ऊपर जो शॉट मारा है उन्होंने, ये बॉल को कहीं भी मार सकते थे मगर उन्होंने कवर के ऊपर मारा, जो एक टेक्निकली आप देखें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. एक और बहुत ही बढ़िया टाइम ड्राइव, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए विक्रांत, और गेंदबाज बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेंगे. इस बॉल में कुछ कमी नहीं थी, काफी उन्होंने सुधार किया पिछली गेंद से अगर आप देखें, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट, और किसी भी उच्च क्रम के बल्लेबाज को इस शॉट मारने पर बहुत गर्व महसूस होगा. बॉल की लाइन तक, बॉल की पिच तक पैर को पहुंचाया और उसके बाद बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव. एक अच्छी वापसी अखिल की, अच्छा एक्शन, हाई आर्म एक्शन, थोड़ी स्विंग, थोड़ी सीम मूवमेंट उस बॉल में, और काफी आकर्षण मैदान में. और इस बार बाउंसर की कोशिश की जो कि थोड़ा सा शायद बल्लेबाज की ऊपर था और उसकी पहुंच से बाहर, इस वजह से वाइड का इशारा किया गया, लेकिन कोशिश के लिए आपको पूरे नंबर देने होंगे अखिल को. बाउंसर शुरुआत में एक अच्छा वेपन माना जाता है, और थोड़ा सा अच्छा डायरेक्टेड होता तो बहुत शायद आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल पाते. एक
ఏక ఆర్ వైడ్ బాల్ అఖిల్ కి కోశిష్ అంపైర్ కో డిస్టర్బ్ కర్నే కి మగర్ ఉస్మే నాకామయాబ్ కాఫీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓవర్ సాబిత్ హో రహా హై యే అఖిల్ కా 15 రన్ దే చుకే హై ఇస్ ఓవర్ మే ఔర్ దో గేందే అభీ భీ బాకీ को पहला झटका लगा आखिर की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाज को विकेट के सामने प्लम आउट किया बहुत अच्छी वापसी अखिल की सीधी गेंद एकदम स्टंप के सामने उसमें कोई दौरा नहीं अंपायर के दिमाग में और उन्होंने अपनी उंगली ऊपर करके वापस भेज दिया है बैट्समैन को गेंद और बहुत अच्छी गेंद थी मगर विकेट कीपर बिल्कुल नाकामयाब उस बॉल को गैदर करने में और बाय के 4 रन स्कोर पहुंचता हुआ 29 दो ओवर की समाप्ति पर और संजय ये बॉल को थोड़ा कंट्रोल करने में जरूर दिक्कत हो रही है संजय बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है 2 ओवर्स 29 रन एक विकेट खोई जरूर है चेन्नई राइनोज ने लेकिन विकेट में कुछ मूवमेंट एयर में भी कुछ मूवमेंट बॉलर्स को मिला कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले और दोनों ही टीमें इस समय अपने चांसेस को फैंसी जरूर कर रही होंगी तीसरी ओवर की शुरुआत अच्छा स्ट्रेचिंग करते हुए अच्छी गेंद बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी अच्छी शुरुआत तीसरे ओवर की और तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत अहम है कि वो जो रन की गति को थोड़ा कम करें क्योंकि 29 रन ऑलरेडी दे चुके हैं वो और केवल 2 ओवर हुए हैं संजय एक और बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत और अगर आपने ये बात नोटिस करें तो ये सीम से फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब हमने देखा है सीम से कोशिश करी तो स्विंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो शायद ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बॉलर के बिहाफ पर रघु की अच्छी शुरुआत एक और अच्छी गेंद अच्छा ड्राइव मगर मिड ऑफ के ऊपर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और इस मैच इस ओवर में थोड़ा कंट्रोल आते हुए तेलुगु वॉरियर्स के पास देखना यह है कि जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं बैट्समैन और बॉलर्स काफी सीरियस एक इंटेंट है खिलाड़ियों के बीच में थोड़ी सी लात की तरफ गेंद जाती हुई लेकिन क्योंकि पैड पे लगी कीपर को पहुंचने से पहले कोई नुकसान नहीं वाइड का इशारा नहीं दिया जा सकता था और अभी तक गेंदबाज ने मुझे लगता है बहुत सधी हुई गेंदबाजी की है संजय और जिस प्रकार से जिस गति से रन्स बन रहे थे पहले 2 ओवर्स में उस पर जरूर अंकुश लगाया है एक और अच्छी गेंद लेग साइड के ऊपर ग्लांस कर दिया है मगर डीप स्क्वायर लेग पोजीशन से एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और एक अच्छा रिटर्न
ये पहला विकेट बहुत अभी तक गिल्टी थे इस बॉल से पहले, वाइड जा रही थी, लेकिन इस बार इन स्विंग को यूज किया और बिल्कुल विकेट के सामने, और डॉट बॉल से ओवर खत्म करते हुए तीन ओवर की। और संजय ये बॉल को थोड़ा कंट्रोल करने में जरूर दिक्कत हो रही है। अभी तक संजय बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, दो ओवर्स 29 रन, एक विकेट खोई जरूर है चेन्नई राइनोज ने, लेकिन विकेट में कुछ मूवमेंट, एयर में भी कुछ मूवमेंट बोलर्स को मिला, कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले और दोनों ही टीमें इस समय अपने चांसेस को फैंसी जरूर कर रही होंगी। तीसरी ओवर की शुरुआत, स्ट्रेचिंग करते हुए अच्छी गेंद, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत तीसरे ओवर की, और तेलुगु वॉरियर्स के लिए बहुत अहम है कि वो जो रन की गति को थोड़ा कम करें, क्योंकि 29 रन ऑलरेडी दे चुके हैं वो और केवल दो ओवर हुए हैं। संजय एक और बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत, और अगर आपने ये बात नोटिस करें तो ये सीम से फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा है सीम से कोशिश करी तो स्विंग कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो शायद ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी बॉलर के बिहाफ पर। रघु की अच्छी शुरुआत, एक और अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव मगर मिड ऑफ के ऊपर, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और इस मैच इस ओवर में थोड़ा कंट्रोल आते हुए तेलुगु वॉरियर्स के पास। देखना यह है कि जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं बैट्समैन और बॉलर्स, काफी सीरियस एक इंटेंट है खिलाड़ियों के बीच में। थोड़ी सी लात की तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन क्योंकि पैड पे लगी कीपर को पहुंचने से पहले, कोई नुकसान नहीं, वाइड का इशारा नहीं दिया जा सकता था, और अभी तक गेंदबाज ने मुझे लगता है बहुत सदी हुई गेंदबाजी की है संजय, और जिस प्रकार से जिस गति से रन्स बन रहे थे पहले दो ओवर्स में उस पे जरूर अंकुश लगाया है। एक और अच्छी गेंद, लेग साइड के ऊपर ग्लांस कर दिया है मगर डीप स्क्वायर लेग पोजीशन से एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन और एक अच्छा रिटर्न। ये पहला विकेट बहुत अभी तक गिल्टी थे इस बॉल से पहले, वाइड जा रही थी, लेकिन इस बार इन स्विंग को यूज किया और बिल्कुल विकेट के सामने, डॉट बॉल से ओवर खत्म करते हुए तीन ओवर की समाप्ति पर 32।